नमस्कार प्यारे मित्रों, आज एक बार फिर नीलू कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे हैं प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरा क्वेश्चन। द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है, द्विघात्री सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। हमें एक बात का ध्यान रखना है बेटा, अगर हमारा प्लस का आंसर आता है डी बड़ा है 0 से, तो मूल वास्तविक होते हैं। अगर हमारा डी का मान मतलब द्विघाती सूत्र से 0 भी अगर उत्तर आ जाता है तो भी मूल वास्तविक होगा। अगर माइनस का आंसर आ जाता है तो हम कहेंगे ये मूल वास्तविक नहीं है और उसको आगे हम हल नहीं करेंगे बेटा। तो द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। सवाल है 4x² + 4√3 + 3 = 0। यहां लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। जब बेटा हम इससे तुलना करेंगे, इससे पहले भी कर चुके हैं तुलना, तो हमें पता a = क्या जाएगा 4, b = क्या जाएगा बेटा 4√3, c = क्या निकल के आएगा 3 निकल के आएगा। तो द्विघाती सूत्र हमें पता है, द्विघाती सूत्र से b² - 4ac, बी का मान 4√3² 4, ए का मान 4 है, सी का मान 3 है। हमें दिख रहा ना भाई, ए का मान तो 4 है, बी का 4√3 है, सी का 3 है। ये वाला वर्ग पहले 4 पे जाएगा, तो 4 का वर्ग होता है 16 गुणा इस वर्ग से कट निकट गया 3 माइनस 4 × 16 = 48। 16 का फिर 3 में गुणा करेंगे बेटा तो क्या आएगा 48 माइनस 48 क्या आया 0 आया। तब भी कहेंगे दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक है, दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक है। जब वास्तविक की बात आती है तो सूत्र तुरंत माइंड में आना चाहिए, x = −b + √√b² - 4ac/2a। बी की जगह बी का मान, सी की जगह सी की जगह सी का मान, ए की जगह ए का मान रख दो। जब रखेंगे x = - का चिन्ह सबसे पहले लगाएंगे भाई, बी का मान 4√3 दे रखा है तो 4√3 लिखो, धन ऋण का चिन्ह लगाओ, फिर करणी लगाओ, फिर बी का मान 4√3 लिखो, e² लिखो माइनस 4, ए का मान क्या है 4, सी का मान क्या है 3, बटे का चिन्ह लगाओ 2 × a, ये ए दिख रही है ना ए, इस ए का मान रखना 4,
कितना रखना है? चार रखना है। एक्स बराबर माइनस चार करने तीन, धन ऋण का चिन्ह आएगा। कोई पहले वर्ग चार पे जाएगा सोलह, वर्ग से कट जाएगी करने तीन आएगा। चार चुके गुणा कर लो, चार चुके सोलह तीन अड़तालीस, बटे के लाइन चार दुनी आठ, माइनस चार करने तीन धन ऋण। सोलह तीय होते हैं अड़तालीस, माइनस के अड़तालीस, बटे में क्या है आठ। जब अड़तालीस में से जाएंगे अड़तालीस तो क्या बचेगा? जीरो। क्या बचेगा? जीरो। कह सकते हैं ये आया है एक्स बराबर माइनस चार करनी धन ऋण जीरो बटे आठ, या लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर। क्या लिखेंगे? प्लस चिन्ह या धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर। जब धन चिन्ह लेंगे बेटा तो सिर्फ धन ही लगाना है। एक्स बराबर माइनस चार करनी तीन धन जीरो बटे आठ, जीरो जोड़ेंगे तो वो आएगा चार करने तीन बटे में आठ। काट दो चार एकम, चार एक को लिखते नहीं है, चार दुनी आठ। हमारा पहला मूल निकल के आया एक्स बराबर अंडर रूट तीन बटे दो। अब क्या करना है? माइनस का चिन्ह और लेना है, ले लो, यहाँ लिख लो, कहीं लिख लो, यहाँ लिख लो, चलो। माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, जब माइनस का चिन्ह लेंगे बेटा तो वो ही आना है माइनस चार करने तीन माइनस जीरो बटे आठ। वो जीरो घटाएंगे तो वो ही आता है चार करने तीन बटे आठ। चार से काट देंगे, चार एकम चार, एक को लिखती नहीं है, माइनस करने तीन और चार दुनी आठ। एक मूल ये निकल के आए, दोनों मूल सेम टू सेम आए। कह सकते हैं अतः दिए गए समीकरण के दो मूल, दिए गए समीकरण के दो मूल एक्स बराबर माइनस करनी तीन बटे दो तथा एक्स बराबर माइनस करनी तीन बटे चार होंगे। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।